करीब एक हफ्ते तक राजधानी दिल्ली में मुसीबत का सबब बनी यमुना नदी का जलस्तर अब एक बार फिर घटने लगा है। खतरे के निशान 205.33 से यमुना का जलस्तर थोड़ा ही ऊपर है। यमुना में घटते पानी को देखते हुए लोहे के पुल से ट्रेन की आवाजाही आज फिर शुरू हो गई। पानी बढ़ने की वजह से रविवार को लोहे के पुल से ट्रेन के गुजरने पर रोक लगा दी गई थी। यमुना का पानी दिल्ली में तो कम हो ही रहा है, लेकिन यमुना की सहायक नदी हिंडन उफान पे बह रही है। गाजियाबाद बैराज से हिंडन नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हिंडन का पानी उफान पे है, जिससे कई निचले इलाके डूब गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा रहा है। वहीं सिटी फॉरेस्ट में जाने के लिए बनाया गया लोहे का पर्यावरण सेतु क्षतिग्रस्त होने की आशंका से बंद कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर तो घटा है, लेकिन अब भी ये खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रही है। क्या है ताजा हालात, बता रहे हमारे सहयोगी अनमोल नाथ। इस समय मैं यमुना के किनारे खड़ा हूँ, आप मेरे आगे देख सकते हैं, ये लोहे वाला पुल है। यमुना पिछले दो हफ्ते से दिल्ली वालों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई थी। अभी भी यमुना में जो पानी का लेवल है वो डेंजर मार्क यानी कि 205.33 मीटर के नीचे नहीं गया है। अभी भी यमुना का जो पानी का लेवल है वो 205.45 मीटर पर है, जिसके कारण अभी भी आसपास रहने वाले लोगों में घबराहट है। देखा यह गया था कि दो हफ्ते पहले जो बाढ़ आई थी, तकरीबन 20,000 लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया था, रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट करवाया गया था। अब लोग वापस आना शुरू हो चुके हैं, पर अभी भी जो यमुना है वो नीचे जाना, उसका पानी नीचे जाना शुरू नहीं हुआ और उसका पानी अभी भी डेंजर मार्क से ऊपर ही बह रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे ये लोहे वाला पुल है, इसे संडे शाम को बंद कर दिया गया था, पर आज फिर यहाँ पे रेल यातायात शुरू कर दिया गया है। इस पुल को रेल मूवमेंट के लिए फिर खोल दिया गया है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, पुल के नीचे रोड ट्रांसपोर्ट के लिए जो पुल है अभी भी इसको बंद किया गया है। उस तरफ हो चाहे पुल के इस तरफ हो, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। इस पुल को रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बंद किया गया है। यमुना का पानी अभी ऊपर बह रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं, जो यमुना का पानी है वो अपनी सहायक नदी हिंडन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। हिंडन का पानी का जलस्तर भी इस समय बढ़ा हुआ है और हिंडन जो है इस समय प्रलय का कारण बनी हुई है, चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे वो नोएडा हो। तो कब यमुना का पानी नीचे जाएगा ये डिपेंड करता है पीछे पहाड़ों की बारिश पर। कैमरामैन राजा के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।